हेलो गाइस, अपना अपने यूट्यूब चैनल बेस ऑफ लव में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, दोस्तों आर्मी मेस की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है। तो दोस्तों फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप लोग को टोटल पोस्ट देने को मिलेगा, 7256 पोस्ट देने को मिलने वाला है दोस्तों। इसके लिए आप लोग को ऑल इंडिया वैकेंसी है दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया, किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों, कब से कब तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पोस्ट नेम आप लोग को क्या क्या मिलने वाला है, तो सारी जानकारी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या होने वाला है, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसलिए आप लोग को वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन भी देने को भी मिलता रहेगा और पूछता रहेगा। और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। तो चलो दोस्तों वीडियो बिना तमीज करके चलो अभी बढ़ते, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करेगा तो दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में MES बोला जाता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज कहा जाता है दोस्तों। नंबर ऑफ पोस्ट मैंने बताया था दोस्तों, इसमें आर्टिकल नेम दोस्तों देख सकते हो मेस की तरफ से आया है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देने को मिलेगा दोस्तों 7256 पोस्ट देने को मिलेगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आप लोग को ऑनलाइन ऑफलाइन में हम लोग को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो कब से कब तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाले मैं आगे बताने वाला हूँ दोस्तों। पहले मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों पोस्ट नेम आप लोग को क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों। पोस्ट नेम आप लोग को दोस्तों देख सकते हो JEE सिविक में आप लोग को 241 पोस्ट देने को मिलेगा। उसके बाद JEE में आप लोग को M में 87 पोस्ट देने को मिलेगा। JEE में आप लोग को 135 पोस्ट देने को मिलेगा। D मेन के लिए आप लोग को 37 पोस्ट देने को मिलेगा। सुपर BS के लिए आप लोग को 8 पोस्ट देने को मिलेगा। SK2 और SRA में आप लोग को 26 पोस्ट देने को मिलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेगा तो दोस्तों इस पर दोस्तों देख सकते हो UDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क कहा जाता है दोस्तों। लोअर डिवीजन क्लर्क में और JEE में आप लोग को 207 पोस्ट देने को 272 पोस्ट देने को मिलेगा। और UDC में आप लोग को 204 पोस्ट देने को मिलेगा। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में आप लोग को दोस्तों देख सकते हो 15 पोस्ट देने को मिलेगा। और CMD में आप लोग को 226 पोस्ट देने को मिलेगा। उसके बाद MPS आप लोग को पता होगा दोस्तों, मल्टी टास्किंग स्टाफ में आप लोग को पीओन चौकीदार सफाई वाला आप लोग को देने को मिलेगा, 264 पोस्ट देने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद चौकीदार में आप लोग को 1 पोस्ट देने को मिलेगा। मीटर रीडर में 26 पोस्ट देने को मिलेगा। कैनमैन में आप लोग को 3 पोस्ट देने को मिलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों मैथ के लिए आप लोग को, दोस्तों मेन मैथ के लिए आप लोग को 5436 पोस्ट देने को मिलेगा। और उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 1 पोस्ट देने को मिलेगा। UDC लोअर डिवीजन अपर डिवीजन क्लर्क में आप लोग को दोस्तों देख सकते हो 1 पोस्ट देने को मिलेगा। और LDC लोअर डिवीजन क्लर्क में 9 पोस्ट देने को मिलेगा दोस्तों। इस पर आप लोग को देख सकते हो दोस्तों टोटल मिला के आप लोग को दोस्तों पोस्ट होने वाला है दोस्तों 7246 पोस्ट आप लोग को होने वाला है दोस्तों। बात आती है दोस्तों एज लिमिट की बात करेगा तो दोस्तों 18 ईयर, मिनिमम 18 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसका साथ साथ आप लोग को गवर्नमेंट के एज हिसाब से आप लोग को एज रिलेक्शन भी मिलने वाला है दोस्तों। एप्लीकेशन फीस की बात करेगा तो जनरल OBC के लिए आप लोग को 100 रुपीज पे करना होगा दोस्तों। और SC ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस देने की कोई जरूरत नहीं है, नील है दोस्तों। बात आती है दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है, मैं आप लोग को बता दूं ऑनलाइन अब कब से कब तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया दोस्तों। लगभग आप लोग को नेक्स्ट इस महीना जून महीना लास्ट वीक में आप लोग को हो सकता है आप लोग को लिंक एक्टिव होगा। तो मैं लिंक एक्टिव मैं आप लोग को जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन नेक्स्ट आएगा मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग को भी जरूर कर लेना। अभी तक डेट फिक्स नहीं हुआ है कब से कब तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आप लोग को इस चैनल में मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों पहले आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद रिटन एग्जाम, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों। सिलेबस की बात करेंगे तो दोस्तों सिलेबस जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क ही मिलेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन में 1 मार्क ही मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सिविल टॉपिक में 50 आने वाला है दोस्तों। इस बार आप लोग को दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात आती है दोस्तों अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको भी जरूर डाउनलोड कर लेना। नोटिफिकेशन मिलने से डाउनलोड करने से आप लोग को बहुत सारा फीचर्स दिया जाता है दोस्तों, इसलिए आप लोग को भी सबसे डाउनलोड करना ना भूलें। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों।
वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ लाइक करो भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को भी मिलता रहेगा और पूछता रहेगा। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।